कभी कभी लाइफ में ऐसा हो जाता है कि जब हमारी हिम्मत टूटने लग जाती है, बाहर से कोई मोटिवेशन काम नहीं आता है, किसी की बातें काम नहीं आती है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा होता है, बस एक जगह पे पड़े होते हैं और टाइम पास कर रहे होते हैं। अपने गोल की तरफ आपने बड़ा एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी, अपना सब कुछ लगा दिया उसमें, लेकिन रिजल्ट उसका बिल्कुल अपोजिट आया जैसा आपने सोचा था। होता है ऐसा कई बार, आती है लाइफ में सिचुएशन आती है ना, ऐसा लग रहा होता है कि सब कुछ ही खत्म हो गया है, अंदर से ऐसी फीलिंग आने लग जाती है। तो उस वक्त क्या करना चाहिए, मतलब कि उस वक्त खुद को मोटिवेट कैसे करें? तो उनको मैं देता सर आपकी वीडियोस देखती हूँ। अच्छा, तो सारे करते हैं यहाँ पर आए, तो मेरे जब वीडियोस देखते हो तो काम करता है, रिलेटेबल होता है, फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, इवन यू आर अ लाइफ गिविंग पर्सन। इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं कि अगर आपने मेरे वीडियोस देखे, और वैसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो भी अगर काम नहीं किए, मेरे वीडियोस भी काम नहीं किए, अपनी तारीफ करने में बड़ा मजा आता है नहीं? लेकिन मान लेते हैं कि अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो, किसी के वीडियोस देख रहे हो, वो भी काम नहीं कर रहे, अब क्या करें? सर जैसे मेरा दो बार सर एंट्रेंस मेडिकल का था सर, वो क्लियर नहीं हुआ था सर, उसमें मतलब कि पेरेंट्स का सर मनी भी लगा था उसमें, और टाइम भी लगा था उस समय, प्लान्स भी बहुत सारे थे स्कीम, मतलब कि मतलब फर्स्ट ईयर में अगर मतलब क्लियर हो गया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया था। फिर बाद में ऐसा बहुतों के साथ हुआ होगा, रिलेट कर पा रहे होंगे, कितनों के साथ हुआ है ऐसा कुछ? ठीक है सर, फिर बाद में मैंने क्या किया कि पहले तो बूस्ट करने के लिए सर आपका मोटिवेशन वीडियो देखा सर, तो फिर वो काम नहीं किया? नहीं सर, वो टेम्परेरी बेस पे काम, टेम्परेरी बेसिस पे किया, मतलब रेगुलर काम नहीं करता, मतलब अगर... मेरा दिल रख लिया तो नहीं सर, मुझे लग रहा था काम ही नहीं किया, मतलब देखा है क्या लगा ऐसा, मतलब मैं इमेजिन कर रहा था। हाँ ठीक है, बाद में मतलब मैंने ये किया कि मतलब अकेले बैठ के प्लान किया फिर से कि मतलब कि ये मेरी मतलब कमियां थी, ये मेरी मतलब कि अच्छाई, मतलब इन टॉपिक्स में मैं अच्छा हूँ, इन टॉपिक्स में बेकार हूँ, तो फिर मुझे यहाँ से हेल्प लेनी है, मतलब पूरा एक तरह से मैंने प्लान किया सब कुछ, लिख करके किया, वैसे ही दिमाग में नहीं सर, लिख के, लिख करके किया प्रॉपर, कि ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, ये मेरी वीकनेसेस हैं। क्या इसके अलावा एक और काम भी हमने किया, क्योंकि अगर वो भी करें तो और बेटर हो सकता है, दैट इज कि जब मैंने वो तैयारी करी और मेरा नहीं हुआ तो उसमें मैंने क्या गलतियां करी? एक तो है आपकी वीकनेसेस जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, एक है गलतियां, मे बी कि हमने मोबाइल पे बहुत ज्यादा टाइम पास किया नहीं, क्योंकि हम सच औरों को नहीं बोल सकते ना, खुद को तो बोल सकते हैं ना, घर वालों को बोला तो बड़े जूते पड़ेंगे कि बेटे यही टाइम पास ही करना था, सुट्टा ही मारना था, मतलब आपके लिए नहीं, वैसे तो मेरे पैसे क्यों लगवाए, है ना? यस सर। तो क्या ऐसा भी हम करते हैं लिख करके? कितने लोग एक्चुअल में करते हैं? बहुत कम, दो तीन लोग सर, वो भी सर टेंपरेरी, वो भी हम सीरियसली नहीं करते। यस सर, सीरियस समझ के, दो चीजें यहाँ पे करनी जरूरी है, एक तो ये पहले समझो क्या आपकी वीकनेसेस थी, और अगली बार अगर आप दोबारा से अटेम्प्ट करने वाले हो उसको स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करना है, और अपने आप से ये भी सच बोलो कि क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, कहीं मैं दोबारा अपना टाइम तो नहीं खराब करने वाला हूँ। कुछ ऐसी भी वीकनेसेस होती हैं किसी की, जैसे फॉर एग्जांपल सिंगिंग के लिए आप ट्राई कर रहे हो और आपकी आवाज़ ऐसी है कि जो भी सुनता है कान से खून निकलने लग जाता है, तो आप कह रहे हो कि यार मेरी वीकनेस है मैं स्ट्रेंथ बना दूंगा, ठीक है, अच्छा है, ऑप्टिमिज्म अच्छा है, बट एक हद होती है ना, मतलब तो इस तरह से अपने आप से सच बोलना होता है कि मेरी वो वीकनेसेस है, उसको स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए देयर इज अ प्राइस टू पे, एफर्ट लगाना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, क्या वो मैं करने के लिए तैयार हूं, क्या वो मैं कर सकता हूं? इफ यू से यस तो नेक्स्ट स्टेप पे जाओ, इफ यू से नो तो बात वहीं पे खत्म हो गई, अब कुछ और सोचो, नंबर वन। नंबर टू, उस वक्त मैंने क्या गलतियां करी, क्योंकि आप कुछ भी करते हो तो कुछ ना कुछ सोच समझ के करते हो, तो वो नहीं हुआ, दैट मीन्स आपको लग रहा था कि मैं कर लूंगा लेकिन नहीं हुआ, इसका मतलब पक्का है कि हमने बहुत सारी गलतियां करी हैं, उसको भी लिख लो। तो इससे क्या हो रहा है, हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड थे, अब हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड बन रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, अब क्या होगा, पैसा चला गया, ये हो गया, ये सब क्या है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच। आप क्या बन गए, अब सॉल्यूशन ओरिएंटेड। इसके बेस पे आपको एक बिल्कुल क्लियर आंसर मिल जाएगा कि आप दोबारा अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है, क्योंकि अगर आप वही गलतियां दोबारा से करने वाले हो जो पिछली बार करी, तो छोड़ दो, मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम, एटलीस्ट कुछ और तो करो, नहीं तो वही रिजल्ट आएगा जो पिछली बार आया। हाँ, आप माइक दे दो इनको। सर, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी थिंकिंग है ना, जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हम नहीं बढ़ सकते हैं, उसे हमें स्टॉप करना चाहिए और बस यही बोलते रहना चाहिए कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। लेकिन उसको स्टॉप कैसे करें, कैसे वहां से बाहर निकले, दैट इज द पॉइंट। वो बड़ा एक गंदी स्टेट होती है।
जिसमें हम जाकर के फंस जाते हैं. ऐसा हुआ है, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है ना? कुछ करने का मन नहीं कर रहा होता बहुत ज्यादा. हाँ. मतलब उसी में हम खोए रहते हैं कि और वही थॉट्स रिपीट मोड पे चल रहे होते हैं. एक ही तरह के थॉट्स बार 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 आ रहे होते हैं. कुछ देर के लिए आप अपना ध्यान उन थॉट्स से हटाते हो, कुछ नया सोचते हो, लेकिन फिर ध्यान वहीं चला जाता है, वही प्ले होने लग जाता है. इसको इस तरीके से कह सकते हो, एक तरह से सोचने की आदत पड़ जाती है. दो चार दिन में, पांच दिन में होता नहीं है, दो चार दिन तक आप एक ही तरह का काम करते रहो, कुछ भी करते रहो. जैसे अभी मैं हाथ हिला रहा हूँ, दो चार दिन तक ऐसे ऐसे करता रहो, उसे मिलूंगा आए भाई क्या गंदे गंदे इशारे कर रहा है. सो द पॉइंट इज कि एक तरह से अगर हम सोचते रहे नॉन स्टॉप दो दिन चार दिन, तो आदत पड़ जाती है, हैबिट, एक तरह की हैबिट पड़ जाती है उस तरह से सोचने की. और जितना आप कहते हो ऐसा नहीं करना है, वो उतना ही पावरफुल होता चला जाता है. क्योंकि जैसे ध्यान थोड़ी देर के लिए हटता है, फिर वापस से वहां आता है, तो और गुस्सा आता है. तब कैसे वहां से बाहर आए? और बाहर ऐसे नहीं कि कुछ दिनों में बाहर आए, इमीडिएटली इंस्टेंटली वहां से बाहर कैसे आए? अपने आप को शीशे में देखो. मजाक उड़ा रहे आप मेरा. हम जैसे देखते हैं वो वाला देखना नहीं, हाय क्या लग रही है, मैं वो वाला देखने की बात नहीं कर रहा. मतलब देख करके खुद को मोटिवेट करना सीखो, वो सबसे पावरफुल मोटिवेशन है. क्या क्या ऐसे काम है जिसमें आप मास्टरी को अचीव कर सकते हो? हो सकता है वो आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है ना हो. ध्यान से समझ लेना इस चीज को. लाइफ में सबसे ज्यादा जो मजा आता है ना, वो आता है किसी भी पर्टिकुलर काम में मास्टरी को अचीव करके. लेकिन आप सबकी कंडीशनिंग कैसी हुई पड़ी है, घर में जो माहौल है यहाँ पे वहां पे, वो मास्टरी की कहीं कोई बातें नहीं होती है. वहां पे होती है क्रैक करने की बातें. क्रैक करो, क्रैक करो, क्रैक से क्या है? थिंक अबाउट मास्टरी, डोंट थिंक अबाउट पैकेजेस. ऐसे हम सोचते हैं ना, सुबह ये हो गया तो इतने का पैकेज, ये हो, चिंती बनते चले आ रहे हैं. हो सकता है आप अपने माइंड में सोच करके बैठे हो, हाँ 6 लाख का पैकेज लग जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. हो सकता है आप 60 लाख डिजर्व करते हो. 7 लाख नहीं, 60 लाख. खुश हो जाओ, आपकी बात हो रही है. क्या आपको पता है आपकी एक्चुअल कैपेबिलिटी क्या है? नहीं पता जी, किसी को नहीं पता. वो तो जब आप खुद पे काम करना एक्चुअल में शुरू करोगे अपनी मास्टरी के ऊपर, तब पता लगेगा क्या निकल के आ रहा है वहां से. किसी को नहीं पता होता है, मैं आपको सच बता रहा हूं. मतलब एट द एज ऑफ 18, 19 years, 20 years, किसी को नहीं पता होता है कि आने वाले 10 साल बाद, 20 साल बाद क्या होने वाला है. डिपेंड करता है हम क्या ट्रैक पकड़ रहे हैं. ट्रैक गलत पकड़ लिया तो फंसते चले जाते हैं, और ट्रैक सही पकड़ लिया तो कुछ कमाल का हो जाता है. सही मतलब क्या, अपना ध्यान फालतू की चीजों से हटाओ, मास्टरी पे ले आओ, एक्सपर्टीज पे ले आओ. इसका दूसरा वर्ड भी हो सकता है एक्सपर्टीज, कि क्या क्या ऐसे काम है जिसमें मैं एक्सपर्टीज को अचीव कर सकता हूं या कर सकती हूं. दिस गिव्स यू हेल लॉट ऑफ एनर्जी, क्योंकि अब ये आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है. क्रैक करना ना करना आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है, कॉम्पिटिशन है, बहुत सारे फैक्टर्स वहां पे और प्ले हो रहे हैं. बट क्रैक करने के लिए जिस टॉपिक को मास्टर करना है वो किसके हाथ में है? वो आपके हाथ में है. वो करने के बाद भी आपका हो या ना हो वो किसके हाथ में है? वो आपके हाथ में नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो जॉब के लिए, तो वहां पे कितना पैकेज आपको मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, किसके हाथ में है? आपके हाथ में है. वो कब है आपके हाथ में? जब एक्चुअल में आप एक्सपर्ट हो किसी पर्टिकुलर फील्ड के, तब आपके हाथ में है. तब आपसे एक्चुअल में पूछा जाएगा कि हाँ व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, नहीं तो नाम के लिए पूछा जाएगा. आपसे पूछेंगे हाँ भाई व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, सर आई एक्सपेक्ट अराउंड 50 लाख रुपीज पर एनम, 5,000 रुपये महीने का मिलेगा, करना है कर. ठीक है सर, जैसे आप कहें. तो इफ यू सेट योर गोल्स करेक्टली बेस्ड अपॉन मास्टरी, मास्टरी आप दो तरह की चीजों में अचीव कर सकते हो ना, एक वो जिसका कनेक्शन पैसे से है, दूसरा जिसका कनेक्शन पैसे से नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, आपको बैडमिंटन खेलने का शौक है, उसमें आपको मेडल नहीं लेना है, आप तैयारी किसकी कर रहे हो? किसी एंट्रेंस की कर रहे हो. तो क्या आप शीशे में देख करके खुद को ये नहीं बोल सकते कि आई एम गोइंग टू बी अ मास्टर ऑफ दिस बैडमिंटन व्हाट आई एम प्लेइंग, इसमें मुझे मास्टरी को अचीव करना. अच्छा, उससे क्या होगा? पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा. एनर्जी मिलेगी या नहीं मिलेगी? एक डायरेक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी? हम लाइफ को ना बड़ा लीनियर तरीके से देखते हैं कि एंट्रेंस क्रैक करना है, इसका मतलब क्या है कि मेरे को दिन में 12 घंटे पढ़ना है, 16 घंटे पढ़ना है, और फिर ये करता चला जाऊंगा वो क्रैक हो जाएगा. क्या 12 घंटे 16 घंटे पढ़ना इंपॉर्टेंट है या क्वालिटी ऑफ टाइम इंपॉर्टेंट है? व्हाट डू वी मीन बाय क्वालिटी ऑफ टाइम? वन पॉइंटेड फोकस, 100% कॉन्सेंट्रेशन, वो कहां से आती है? क्या उसका फिजिकल फिटनेस से कनेक्शन है या नहीं है? अंदर जो केमिकल लोचा चलता रहता है उससे कनेक्शन है या नहीं है? तो जब खेलते हैं तो क्या होता है? अंदर डोपामिन रिलीज होता है, नहीं होता? पता है ना, इतना साइंटिफिकली हमको पता है ना.
उससे क्या होता, अच्छा फील हो रहा होता है। और मजे की बात बताऊं क्या है आपको, एक बहुत मजेदार बात बताता हूं। मैं डेली खेलता हूं बैडमिंटन पिछले काफी टाइम से, तो हमारा अपना एक ग्रुप बना हुआ है और है, ज्यादातर सब ऑलमोस्ट मेरी एज के हैं वहां पर, मतलब 15-16 साल के। मजाक कर रहा हूँ, 30-40 साल के। उनमें से एक बार एक बंदे ने एक बड़ी सही बात बोली थी। उसने बोला यार क्या होता है वहाँ पे, यारी दोस्ती वाला हमारा माहौल है, कहता है क्या होता है कि ये जो एक घंटा सुबह हमको खेलने को मिलता है ना, इससे पूरे दिन का जो टॉर्चर होता है ना ऑफिस में घर पे, वो सहने की ताकत आ जाती है। देयर इज समथिंग टू लुक अप टू। वेट होता है हमें कि सुबह के 6 बजे और हम सब साथ में आए और खेले, कि एक घंटा मुझे सब कुछ भुला देता है। पावरफुल है स्टेटमेंट या नहीं है? कि ऐसे हम कभी सोचते हैं? एक ऐसा एंट्रेंस जो आप क्रैक करना चाहते हो, उसके लिए जो पढ़ाई करनी है वो आपको करनी पसंद नहीं है, तो वो क्या है? टॉर्चर नहीं है? तो टॉर्चर है ना, तो टॉर्चर को सहने की मोटिवेशन कहां से आएगी? क्या ऐसा कर रहे हो? बैडमिंटन से नहीं, मतलब कहीं से भी। ये नहीं सारे बैडमिंटन खेलते हैं। कुछ भी, वॉट एवर इट इज, दैट कुड बी फुटबॉल, दैट कुड बी क्रिकेट, दैट कुड बी एनीथिंग, वॉट एवर यू लाइक डूइंग, वॉट एवर योर इंटरेस्ट आर, वॉट एवर योर पैशन आर, चाहे उसका आपके प्रोफेशन से कनेक्शन है या नहीं है, उसमें गोल बना दो मास्टरी को। आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट इन इट, एज बेस्ट एज आई कैन, नॉट इन कंपेरिजन टू समबडी। मुझे अपना बेस्ट वर्जन बनना है। तो जब इस तरीके से आप उसके लिए बोल रहे हो, तो क्या यही फीलिंग उसमें भी नहीं आएगी जो आप तैयारी करने वाले हो? लगाओ थोड़ा सा दिमाग, एक एटीट्यूड ही तो होता है और क्या है? ग्रो करना है, अपने आप को बेटर बनाना है। जिसका ये एटीट्यूड है, क्या उसका हर चीज में एटीट्यूड नहीं आने लग जाएगा? फिर अब आप अपने आप को शीशे में देख करके बोल सकते हो, आई एम गोइंग टू बी द मास्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, देखता हूं कौन मुझे रोकता है, आई एम गोइंग टू बी द मास्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर गेम। देन यू कैन एक्सटेंड इट फर्दर बाय सेइंग आई एम गोइंग टू बी द मास्टर ऑफ द गेम ऑफ लाइफ। हु इज द मास्टर ऑफ लाइफ? लगाओ थोड़ा सा दिमाग। जिसने अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को लड़ लिया या सॉल्व कर लिया? क्या लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व हो सकती है? तो हु इज द रियल मास्टर ऑफ लाइफ? लगाओ थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सर, जिसने अपने माइंड को कंकर कर लिया। जिसने अपने माइंड को कंकर कर लिया, आपके थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, जो आपकी पूरी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, जो आपके एक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं। तो अगर आपने माइंड को कंकर कर लिया, तो अपने एक्शंस को भी कंकर कर लिया। एक्शंस को कंकर कर लिया, तो आउटकम को कंकर नहीं कर लिया? लगाओ थोड़ा सा दिमाग अंकल आंटी। समझे मैंने भी क्या बोला है? जिसने अपने माइंड को कंकर कर लिया, यानी अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को, इमोशंस को अच्छे से समझ करके, नॉट फोर्सफुली, क्योंकि फोर्सफुली आप कभी कॉन्कर नहीं कर सकते, माइंड इज एक्सट्रीमली पावरफुल, विद अंडरस्टैंडिंग, विद पेशेंस, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो आप कह सकते हो माइंड को समझ लेना मतलब माइंड को कंट्रोल कर लेना। अब माइंड को कंट्रोल करने की शुरुआत कहां से होती है? ध्यान से समझना, समथिंग विच यू आर पैशनेट अबाउट, अगर उसमें आप मास्टरी को अचीव कर लो, तो क्या माइंड के एक एस्पेक्ट को आपने कंट्रोल किया है? नहीं किया। माइंड को कॉन्कर करने की शुरुआत यहीं से होती है। माइंड कंट्रोल का मतलब क्या? जिसने अपनी माइंड को कंट्रोल कर लिया है, उसने लाइफ को मास्टर कर लिया, मतलब क्या? माइंड को समझ लिया है। क्या माइंड को समझते हैं? और माइंड को समझने का मतलब क्या? व्हाट इज माइंड? दिमाग ब्लैंक होने लग जाता है ना एकदम, है व्हाट इज माइंड? माइंड तो ब्रेन है, माइंड तो थॉट्स है। मतलब अभी देखो, अभी ये कीड़ा कितना गंदा कीड़ा है, ये देख रहे हो आप, ये कितना गंदा कीड़ा है मेरे अंदर। आप लोग सब हिम्मत हार चुके हो, मुझे दिख रहा है शक्लों से। सर बस करो ना, अब क्या रह गया? समझ आ तो गया है, पागल हो गया हो, डेप्थ में जा रहे हो, हर चीज के डेप्थ में जाना है, डीप में जाना है, डीप में जाना है। समझ नहीं आता कि आपको बात एक बार में, ऐसे ही जैसे ये कीड़ा अभी अंदर है ना घुसा हुआ है, इसी तरीके से मैं काम में डेप्थ में जा रहा हूं। तो अब डेप्थ में जाने की आदत कहां से पड़ेगी? आदत अच्छी है बुरी है? फॉर एग्जाम्पल आप एक्टर हो, एक्टिंग की अगर आप डेप्थ में जा रहे हो, जिस भी कैरेक्टर को आप प्ले करने वाले हो उसकी आप पूरी डेप्थ में चले जाओ, ये अच्छा है बुरा है? या उस कैरेक्टर को आप समझो ही नहीं, किसी का कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हो, वो कुछ और बोल रहा है, वो कुछ और कर रहा है, आप कुछ और कर रहे हो, तो कॉमेडी नहीं लगेगा वो देख करके? लेकिन अगर आप उसकी डेप्थ में चले, अभी डेप्थ में जाने की आदत कहां से पड़ती है, ये कीड़ा कहां से हमारे अंदर आता है? देखो दो तरह के काम है इस दुनिया में, एक वो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, दूसरा वो जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो शुरुआत कहां से करनी चाहिए? इंटरेस्ट है, क्या ऐसा करते हो? वो तो काम आप करते ही नहीं, क्योंकि वहां से तो पैसा ही नहीं आता है उस काम को करवाने में, ना घर वालों का इंटरेस्ट है। काम क्या करवाना है? जहां से पैसा है,
वो क्या काम है, इस एंट्रेंस की तैयारी है, ये है वो है, पढ़ाई है ये है वो है, उसमें इंटरेस्ट है क्या, है क्या? नो, सोच सोच के क्यों बोल रहे हो? पढ़ने में बड़ा मजा आता है, पढ़ाई मजा आने वाला आज तो पढ़ने को मिलेगा, ऐसा होता है अंदर से? नहीं होता है। यस और नो? यस और नो? क्या शुरुआत यहां से होनी चाहिए? क्या शुरुआत होनी चाहिए माइंड को ट्रेन करने की ऐसा काम करवाने से जिसमें आपका इंटरेस्ट है? क्या आसान है क्या मुश्किल है? जिस काम में इंटरेस्ट है उसमें मास्टरी को अचीव करना आसान है मुश्किल है? आसान है, आसान है, बहुत आसान है, तो करो ना। उसको परफेक्शन से कर रहे हो, उसमें इंप्रूव हो रहे हो, उसमें बेटर हो रहे हो, उसमें ग्रो कर रहे हो, जहां पर जाकर के लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं वहां से आपकी शुरुआत होती है। ऐसे बंदे की हिम्मत कभी भी टूट सकती है? इम्पॉसिबल। या हिम्मत बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे आप अचीव करते चले जाओगे, तो आप कैसे बनते चले जा रहे हो, आपका माइंड कैसा बनता चला जा रहा है? यू ऑलवेज वॉन्ट टू गो ऑन द नेक्स्ट लेवल। तो जिस लेवल पे जाते हो वहां तक तो आसपास वाले जाने की सोचते भी नहीं, और ये करते ही रहते हो। तो अगर यहां पर ये कर रहे हो जिस काम में इंटरेस्ट है, तो धीरे धीरे क्या जिस काम में इंटरेस्ट नहीं है उसमें भी माइंड ऐसे नहीं चलने लग जाएगा? दो तरह के काम हो गए ना, एक वो जो आपके करियर से कनेक्टेड है, दूसरे जो नहीं है, लेकिन दोनों में परफेक्शन तक पहुंचना है। एक में इंटरेस्ट है, एक में नहीं है, दोनों में परफेक्शन तक पहुंचना है, तो कितना कुछ है करने के लिए। अलग हो अब आप पूरी दुनिया से, बिल्कुल अलग हो, और तभी आपके साथ कुछ अलग हो सकता है, ऐसा जो पूरी दुनिया में किसी के साथ नहीं हो सकता, जहां तक कोई सोच भी नहीं सकता। थैंक यू सर।